अगर मजबूत बने जब आप कहेंगे गार्जियन बिजली विभाग की लापरवाही से हुआ हादसा। एकदिल थाने से मात्र 300 मीटर की दूरी पर हुआ हादसा। इटावा जनपद के एकदिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे 2 पर बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही की वजह से एक 17 वर्षीय युवक की दर्दनाक मृत्यु हो गई है। जानकारी मिल रही है कि रास्ते में तार टूटा हुआ पड़ा था, जिसकी चपेट में एक 17 वर्षीय युवक आ गया और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। फिलहाल घटना के बाद परिवारजनों में कोहरा मचा हुआ है, लोगों की मौके पर भारी भीड़ देखने के लिए मिली है। आपको बता दें, घटना शनिवार के शाम की है। रास्ते में तार टूटा हुआ पड़ा था, उसकी चपेट में एक 17 वर्षीय युवक आ गया, जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। तकरीबन 9 बजे मुझे सूचना मिली, एसआई मुझे सूचना दी है कि एक बच्चा है सोएब उर्फ सेबी नाम के, जिस पिताजी का नाम अनिश है। सोएब की उम्र तकरीबन 20 वर्ष रही होगी। ये मोटरसाइकिल से इधर से आ रहे थे, यहाँ बिजली का तार टूटा था। तार को उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तार की चपेट में आने से ये हादसा हो गया और यहाँ पे काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी। हम यहाँ पे आए, फिर घर वालों से बात मेरी हुई, बिजली विभाग के अधिकारी भी आ गए और मजिस्ट्रेट साहब से भी मेरी बात हुई और मृतक को जो है मोतीझील अस्पताल भेजा गया है, आगे कार्रवाई होगी। सर, ये तार टूटने का रीजन क्या है? जैसे लोगों को पता चलेगा, कुछ लोग बता रहे हैं कि ट्रक से लड़के टूटा है, तो मैं देखता हूँ अभी क्या इसका जाँच का विषय, तार कैसे टूटा है, कैसे। बासु,